हेलो, मैं हूँ चंपा कुमारी उर्फ बड़की। और मैं हूँ चंपा। चंपा तू कहाँ? चंपा, सॉरी सॉरी, गजनी गजनी गेंदा कुमारी उर्फ चुटकी। और आप देख रहे हैं हमको सिनेस्पीक्स पे। अरे वाह, क्या बात है, वेलकम ऑन सिनेस्पीक्स। तो बिल्कुल बैंक ऑन हो आप लोग राजस्थानी गर्ल्स। तो खूब लड़ाई झगड़ा हो रहा है, गाली गलौज हो रहा है। कितना मजा आया शूट के टाइम पर। बहुत मजा आया शूट के टाइम पे। और गाली गलौज नहीं है ये, तो मतलब स्वीट बैंटर है बिटवीन टू सिस्टर्स। और मतलब विशाल जी के साथ काम करने का एक तो मौका मिला, इतने अच्छे एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला, तो हम दोनों काफ़ी खुश, काफ़ी एक्साइटेड हैं फिल्म के लिए। तुमने क्या किया? क्या हो गया? क्या हो गया? कुछ नहीं यार, हंसी हंसमुख का आदमी हंसी नहीं हंस नहीं सकते हम। तो रोल कैसे ऑफर हुआ आप लोगों को, ये राधिका एंड सानिया? जी मैं शूट कर रही थी मर्द को दर्द नहीं होता के लिए, एंड उसके बाद मुझे कास्टिंग बेस से कॉल आता है एंड कि एक फिल्म है, आप आइए करिए ऑडिशन। तो मैंने दिया ऑडिशन, मुझे पता था विशाल भारद्वाज जी की फिल्म है, बट मुझे लग रहा था कि नॉट हैपनिंग, मेरे तो मुझे क्यों लेंगे। फिर मेरी शूट ख़त्म हुई, मैं गोवा गई सेलिब्रेट करने के लिए। वहाँ पे उन्होंने मुझे कॉल किया कि मूवी प्रीपोन कर दी गई है, अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम अगले महीने, तो आप आइए, चार सीन्स का ऑडिशन दीजिए एंड फिर हम डिसाइड करते हैं। और तब तक भी उन्होंने कुछ नहीं बोलता, मुझे था तीन चार राउंड्स और होंगे, फिर मैं लैंड करी डायरेक्टली एंड देन विशाल सर के साथ मैंने ऑडिशन किया। चार सीन्स थे वो किए उनके साथ एंड उसके बाद उन्होंने मुझे पूछा कि काली हो जाओगी तुम? बोला हाँ जी सर, काली हो जाऊंगी। फिर उन्होंने बोला, उन्होंने बोल दिया था कि हाँ, बट जब तक मैंने अपना आर्टिकल नहीं पढ़ा तब तक मुझे यकीन नहीं हुआ कि रहा कि मैं एक्चुअली कर रही हूँ। तो जब आपने उसको अपने कालेपन में देखा अपने आप को, तो कैसा फील हुआ आपको? जी बहुत मज़ा आया, क्योंकि वो कैरेक्टर है एक्चुअली उस चीज़ ने जो हमारे टीथ को स्टेन किया गया था या बालों को ब्लीच किया गया था, फ्रेकल्स बनाए गए थे मुंह पे, काला किया गया था, टैन किया गया था एक्चुअली, तो वो उन चीज़ों ने एक्चुअली बहुत हेल्प किया टू बिकम चंपा। अब मैं ऐसे चंपा नहीं फील कर सकती, ऐसे मुझे राधिका ही फील होता है। मुझे चंपा बनने के लिए उन सब चीज़ों ने बहुत हेल्प किया। और सानिया? मेरे लिए मुझे याद है मैं बधाइयों का शूट कर रही थी, तब मैं सर से मेरी मुलाकात हुई, वो दिल्ली आए थे किसी से मिलने, और मेरी मैनेजर ने बोला कि वो एक फिल्म बना रहे दो बहनों के ऊपर, और दैट्स हाउ आई मेट हिम। और मुझे बोला गया ऑडिशन देने के लिए, पर मेरे लिए वो ऑडिशन कभी ये सोच के मैंने नहीं दिया कि मेरे को ये फिल्म मिल जाएगी या कुछ है, बिकॉज़ एक तो मेरे को सच में विश्वास नहीं था कि मेरे को वो जो फिल्म डायरेक्ट करेंगे वो मुझे उसमें ले लेंगे। मेरे लिए ये ऑडिशन एक ज़रिया था ये चेक करने का कि एज एन एक्टर मैं ऐसा कोई कैरेक्टर कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। एंड व्हेन आई इवन डिड इट, आई एम ग्लैड दैट सर रियली लाइक्ड इट, क्योंकि वो एक ऐसे डायरेक्टर हैं जिनके साथ मैं हमेशा से काम करना चाहती थी। और तीन दिन हो गए थे मेरे ऑडिशन को, तो सर का मुझे कॉल आया और सर ने पूछा कि दो रिक्वायरमेंट्स है फिल्म की, एक तो ये है कि तुम्हें वेट गेन करना पड़ेगा 10 kg फॉर द सेकेंड हाफ, तो आई होप तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा सर कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, मैं करने के लिए रेडी हूँ। और दैट्स हाउ आई गॉट ऑन बोर्ड, और हमारा ये बढ़िया पटाखेदार जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुआ। नॉर्मली बहनों में प्यार देखते हैं हम लोग, तो इस ये दो बहनें क्यों इतना लड़ती हैं, किस बात का गुस्सा है आपस में? जी सारी सिबलिंग्स लड़ती हैं आप देखेंगे तो, मतलब मैं अपने भाई के साथ से बहुत ज्यादा। हाँ मतलब मैंने डबल चप्पल वप्पल जी मैंने तो अपने भाई को बहुत मारा, मैंने तो चप्पल से भी मारा अपने भाई को। मेरी बहन और मेरा एक और बड़ा गंदा चप्पल वाला इंसिडेंट हुआ, वो इधर भी चप्पल वाला, मैंने भी चप्पल। मैं भिंडी खा रही थी और मुझे भिंडी बहुत पसंद है, और मेरी बहन वॉज अपसेट अबाउट समथिंग। देखा हमें जैसे इस फिल्म में भी कोई रीजन नहीं है लड़ाई करने का, वैसे भी आप रीजन भूल जाते हो, पर ये याद है कि आपकी लड़ाई हुई होती है। तो मैं भिंडी खा रही थी बड़े शौक से, इतनी टेस्टी भिंडी बनी थी उस दिन, और मेरी बहन आई डोंट नो व्हाई उसने मेरे ऊपर चप्पल फेंकी, भिंडी भी वेस्ट गई और चप्पल भी खाई मैंने। तो देखो बुरा लगा कि भिंडी गिरी, तेरे को ये बुरा नहीं लगा कि चप्पल पड़ी? हाँ, इसको बुरा लगा कि भिंडी पिताजी। आपने क्यों मारा? जी मैं तो ऐसी, मैं तो WWE देखती थी, तो पहले मूव्स प्रैक्टिस करती रहती थी, और फिर उसके बाद चप्पल उप्पल से ऐसी मुझे तंग करता था, तो मुझे समझ नहीं आता था, तो मैं मार देती थी, क्योंकि मुझे पता था कि मम्मी ने उसको कसम दी हुई है कि बहन पे हाथ नहीं उठाना, तो मैं इस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठाती थी। तो मुझे कभी, जैसे मैंने आपको बोला कि रीजंस कभी याद नहीं रहते, जैसे सानिया बोल रही थी अभी, रीजंस कभी याद नहीं रहते, बस ये होता है कि लड़ाई होती है, दैट इज़ वॉट हैपन्स विद यू नो बड़की एंड छुटकी ऑल्सो। रीज़न कुछ नहीं है, पाकिस्तान और इंडिया के भी लड़ने का कुछ रीज़न नहीं है,
बट लड़ रहे हैं. सानिया कितना इजी होता है, अभी आपने हरियाणवी प्ले किया दंगल में, नाउ राजस्थानी, इतना फ्रीक्वेंटली लैंग्वेज चेंजेस, और कितना टाइम लगा आपको सीखने में? इसमें मुझे इतना मुश्किल नहीं हुआ था फ्रैंकली. मुझे याद है जब मेरा ऑडिशन होने वाला था, एक दिन पहले सर ने मुझे कॉल करके पूछा था कि आई होप आपको कोई प्रॉब्लम ना हो रहा हो डायलेक्ट में. और मैंने सर को बोला नहीं सर, ये तो हरियाणवी से काफ़ी मेल खाता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा. सर ने बोला अच्छा, इतना कॉन्फिडेंट सुनाओ क्या बोल सकते हो तुम. तो मैंने जब डायलॉग्स बोले तो सर काफ़ी खुश हुए और सर ने बोला कि अब ऐसे ही करना ऑडिशन में. तो थोड़ा मेल खाता है हरियाणवी से, तो इतना डिफ़िकल्ट नहीं था. हमारा आई थिंक मकसद ये था कि हम इतने कंफर्टेबल हो जाए लैंग्वेज से कि हम सेट पे जाके इम्प्रोवाइज कर सकें इसी लैंग्वेज में. तो ये हमारा वो था, मतलब जो हम अचीव करना चाहते थे विद द लैंग्वेज. मतलब डायलॉग्स तो है पर उसमें आप इम्प्रोवाइजेशन में कहीं ना कहीं हो जाते हो कि अच्छा डायलॉग तक ही स्टिक करें या स्क्रिप्ट तक ही स्टिक करें. बट हम वी यूज टू इम्प्रोवाइज अ लॉट ऑन सेट. तो मुझे लगता है हम इतने कंफर्टेबल हो गए थे अपनी लैंग्वेज से कि हमें कुछ नहीं होता था कि हम डायलॉग्स जो लिखे हैं स्क्रिप्ट से उससे बढ़ के हम कुछ ना कुछ करते रहते थे. जी आपके साथ कितना इजी रहा ये विद डायलॉग? जी मुझे जो चीज़ सबसे ज़्यादा हेल्प की थी वो थी कि जब हम रॉसी गए एंड ऑफकोर्स रीडिंग्स विद विशाल सर एंड चरण सिंह जी ने ऑफकोर्स हेल्प की. और जब हम रॉसी गए एंड वहाँ पे जब पता लगा कि वहाँ की लेडीज़ हिंदी नहीं बोल पाती, उनको वो उसी डायलेक्ट में आपके साथ कॉन्वर्सेशन करेंगी, उसमें मुझे मज़ा आ गया क्योंकि उसमें हमारी जितनी भी हल्की फुल्की हम सीखे थे वो ब्रशअप होने लग गए. एंड उसके बाद जैसे उसने कहा कि जब हम एक बार यू गेट हैंग ऑफ इट देन यू कैन इम्प्रोवाइज. So yes, the visit to the village really helped me. इतने talented characters हैं इसमें, सुनील ग्रोवर हैं, सानंद हैं और विजयराज हैं. तो कैसा लगा सेट का माहौल? I am sure बहुत ही ज़्यादा entertaining होगा. तो कुछ ऐसा बताइए हमें अपना experience सेट का. मुझे लगता है विजयराज जी के साथ काम करने में मुझे बहुत मज़ा. मुझे भी. As बापू हमारे जितने भी उनके साथ scenes रहे तो ऐसा ही लगता था कि जैसे हमारे बापू ही हों. और ये विशाल जी ने हमें रिसेंटली बताया कि उनका एक पॉइंट था जो उन्होंने विजय राज जी को बताया कि दो आप हो तो बापू बट मन से आप माँ हो, क्योंकि बड़की और छुटकी दोनों की माँ नहीं है. तो ये चीज़ उन्होंने विजय जी को माइंड में रखने को कहा और बाकायदा उन्होंने रखा भी. तो ब्यूटीफुली बहुत ही ब्यूटीफुली उन्होंने ये कैरेक्टर अपना प्ले किया. और अभी भी मैं जब भी उनसे मिलती हूँ शूट के बाद भी तो ऐसा ही लगता है कि जैसे आई एम रीविजिटिंग माय शूट डेज. बट आई कॉल हिम बापू. अगर मुझे अभी डबिंग के लिए मिलते हैं तो मैं सोचता बापू तो वैसे आते आ गई. हाँ जी. अब बात करते हैं आप दोनों की आपसी बॉन्डिंग की. आप दोनों ने सेट पे इतना लंबा टाइम बिताया, आई एम श्योर एक दूसरे की कमियां अच्छाइयां आप लोगों को पता चली होंगी. तो हम बारी बारी से जानना चाहेंगे कि राधिका आप बताइए, सानिया में कोई ऐसी बात जो किसी को नहीं पता और आपको पता चली, और सेम विद ऐसी चीजें क्यों बताएंगे. हम भी जानना चाहते, इतनी क्लोज सिस्टर थी, लड़ती भी थी, झगड़ती भी थी, तो क्या निकाला अंदर से एक दूसरे के बारे में स्पेशल? जी सानिया, एक मैं आपको बताऊँ तो ये ना डे ड्रीमर है. सो आप अगर आप इससे बात भी कर रही है ना, अरे ये चीजें नहीं बताते. अगर आप बात भी कर रही है ना तो ये सेट पे होता था तब तो मुझे पता भी नहीं था कि तू डे ड्रीमर है. तो होता ये था कि अगर आप कॉन्वर्सेशन भी कर रहे हो ना तो ऐसे नॉट करेगी कि जैसे वो आपको सुन रही है, लेकिन वो सुन नहीं रही है आपको, वो कहीं और ही है और कहीं और ही घूम रही है. तो मुझे पहले बड़ा रूड लगता था और ये ना ऐसे रिप्लाई करती थी जैसे आप पूछो कुछ मुझसे, पूछो कि सानिया ये खा लिया, पूछो सानिया ये खा लिया. क्या खा लिया? ये सच नहीं प्रोसेस बात. और मुझे ऐसा लगता था कि मैं निकलूं वहाँ से या मैं खड़ी रहूँ या मैं क्या? तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत ऑकवर्ड थी क्योंकि एट दैट टाइम आई डिडंट नो दैट शी वाज अ डे ड्रीमर. तो मुझे लगता था इसको प्रोसेस बाद में होता दिमाग दिमाग थोड़ा कमजोर है, बाबू राव को थोड़ा किसके लिए. तो वो चीज़ मुझे समझ नहीं आता. आपको भी मौका मिला है. एक तो राधिका मदान बहुत फिल्मी है, बहुत ही ज़्यादा फिल्मी है. तो जब मैं पहले दो तीन बारी इनसे मिली मुझे लगा कि ये चलो ये दो तीन बारी वाला ही सीन है जहाँ ये मेरे से डायलॉग्स में बात कर रही है, बंद हो जाएगा.
पर टिल डेट ये इसके डायलॉग्स खत्म ही नहीं होते और हर डायलॉग बोल हर डायलॉग के बाद ये पूछती भी है, फिर आपका क्विज स्टार्ट होगा कि ये कौन सी फिल्म में था ये डायलॉग, अब बताइए ये फिल्म में कौन था। तो ये पूरी चलती फिरती इंसाइक्लोपीडिया है बॉलीवुड की। तो ये मैंने रियलाइज किया ये फिल्म करके राधिका मदान के साथ। तो चलते चलते हमारी ऑडियंस को बताइए कि पटाखा कब रिलीज हो रही है और क्यों देखने जाए। जी 28 सितंबर को रिलीज हो रही है अपनी फिल्म पटाखा, और ये है स्टोरी चंपा कुमारी और गेंदा कुमारी की, जो दो बहनें एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करती। बट इसमें और भी बहुत कुछ है सिवाय हमारी लड़ाइयों के, सिवाय हमारी छोटी छोटी नोकझोंक के। ये फिल्म आपको बहुत इंस्पायर करेगी, बहुत खुश करेगी, आपको हंसाएगी, आपको रुलाएगी और आपको बहुत सारे इमोशंस। एक ऐसा रोलर कोस्टर राइड है ये हमारी फिल्म, जो आई एम श्योर आप सबको देखेंगे तो बहुत पसंद आएगी। इन शॉर्ट मतलब पैसा वसूल, जाओ देख के आओ, मतलब बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है पटाखा। जी बिल्कुल। तो हमारी तरफ से भी ये सारी विशेस आप दोनों को, थैंक यू जी, ब्लॉकबस्टर हो और खूब 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 पैसे कमाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।